हेलो व्यूअर्स, आज एक नया होता है ऐसे बॉर्डर कोई काम लेके आपके सामने आया। देखिए ये ट्यूबलाइट है, ये हमारा इंजन रूम में लगता है। बहुत सारे ऐसे ट्यूबलाइट लगा हुआ है इंजन रूम का लाइटिंग के लिए। तो ये इंजन रूम में हम बहुत ट्राई किया, ये जला नहीं पाया। क्यों नहीं जल रहा है पता नहीं, एक जल रहा है एक नहीं जल रहा है। एक ऐसे है ना, एक जल रहा था एक नहीं जल रहा था। तो इसका स्टार्टर भी चेंज करके देखा, स्टार्टर भी चेंज किया और देखा पूरा का ये होल्डर का सब देखा है, लेकिन वहाँ चालू नहीं हो पाया। तो इसको पूरा खोल के ऊपर लेके आया। अभी इसको चेक करेंगे एक एक करके क्या इसका फॉल्ट है। हाँ, ये बीच में एक कैपेसिटर भी दिया है। ये कैपेसिटर तो ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए देता है। ये निकाल भी देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखना है हमको ये स्टार्टर, तो हम चेंज किया, सिर्फ ये चोक देखना है, चोक अच्छा है कि नहीं, जो जल नहीं रहा है उसका अच्छा है कि नहीं। और वो पूरा कनेक्शन चेक करेगा वन बाई वन। पहले तो इधर भी एक बार लगा के चेक करता है। हाँ, अब देखिए ये ट्यूबलाइट भी हम लोग नया लगाया, ये ट्यूबलाइट नया लगाया। ठीक है, अभी इसको ऑन करो पावर को। सुन किया ये एक जल रहा है एक नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ये ट्यूबलाइट भी चेंज करके देखा, स्टार्टर भी चेंज किया। तो इसको देखेंगे इसका चोक ठीक है कि नहीं वो देखेंगे। ठीक है, अभी ये चोक अगर ठीक है तो ये होल्डर भी चेक करेंगे और स्टार्टर का भी होल्डर चेक करेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे। तो अभी इसको एक बार ये ट्यूबलाइट इस पर लगा के देख लेते हैं। ठीक है, बंद करो ऊपर पावर। ये चौक इसका है। ठीक है, तो स्टार्टर इसका है। ये ट्यूबलाइट चेंज किया फिर भी यही जल रहा है, ये नहीं जल रहा है। ये नया ट्यूबलाइट है, ये नहीं जल रहा है। अभी इसको स्टार्टर, तो इसका स्टार्टर ये वाला है, तो इसको चेंज करके देखेंगे स्टार्टर भी चेक करके। दे दो इसका स्टार्टर भी ठीक है, दोनों स्टार्टर ठीक है, ट्यूबलाइट भी ठीक है। सिर्फ ये मेरे को लगता है चोक या होल्डर, ये दोनों चीज़ पे गया, नहीं तो स्टार्टर का होल्डर, ये स्टार्टर का होल्डर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको देखिए, एक मिनट इसको बंद करना। ट्यूबलाइट निकल दिया, अभी इसको हम ये चेक करेंगे। ये होल्डर तो ठीक है, ये होल्डर चेक करेंगे और ये चोक चेक करेंगे। ठीक है, तो ये चोक को पहले चेक करते हैं। चोक को हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और ये टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं। और दो देखिए, ये छोटा सा एक टेस्ट लैंप बनाया, तो इसमें अभी पावर है, ये कनेक्टर में पावर है। ठीक है, अभी इसमें से एक पॉजिटिव गया इसमें और दूसरा एक, ये ब्राइट बहुत है ब्राइट। अगर ये चोक से जो दूसरा पॉइंट निकला उसमें अगर डीम होगा तो ये चोक ठीक है माना जाएगा। देखिए ये डीम हो गया, ये मतलब ये चोक ठीक लग रहा है। दूसरा भी ऐसा होना चाहिए,
ये भी ठीक है। देखो इसमें ब्राइट होगा और इसमें लो होगा, तो इसका मतलब ये चोक काम कर रहा है, ये बिल्कुल ओपन भी नहीं है और ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो उसके हिसाब से ये आउटपुट भी दे रहा है, तो काम कर रहा है। अगर इसको मल्टीमीटर से भी हम चेक कर सकते हैं, इसका ओम्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में देखो बंद कर पावर, प्लग निकल दो, एक बार मल्टीमीटर से भी चेक कर लेता है, ठीक है। थोड़ा पॉज करो, इसको मैं अभी कंटिन्यूटी में दिया, दोनों का वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। ये 42.5 देख रहा है ओम्स, हाँ इस पे भी देखें, ये भी 42-43 है, ठीक है। इसका मतलब चोक ठीक है, चोक ठीक है, ट्यूब लाइट भी ठीक है, ठीक है। अभी एक स्टार्टर होल्डर भी ठीक है, ये स्टार्टर होल्डर देखेंगे साफ, इसको तो ये लोग इसको ज़्यादा कुछ होता नहीं है, स्टार्टर भी तो ठीक ही है, स्टार्टर ठीक ही है, ये सिर्फ होल्डर चेक करेंगे और ये दोनों स्टार्टर का होल्डर चेक करेंगे और दोनों ये जो ट्यूबलाइट का होल्डर, ये दोनों खोल के इसको चेक करेंगे, ये इसमें बराबर कॉन्टैक्ट बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी पहले खोल लेते हैं फिर देखते हैं। वन का उधर हम बहुत कोशिश किया नहीं हुआ, ये खोल के लेके आया, अभी हो जाएगा, ये इसको आराम से एक एक करके चेक करेंगे, इसको कॉन्टैक्ट बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। ट्यूबलाइट भी हो गया चेक, ये चेक करने का तरीका एक मल्टीमीटर से भी चेक कर सकता है, एक टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकता है। टेस्ट लैंप क्या ये क्या करता है, ये वाट को कम करता है, ये चोक को क्या करता है, चोक का काम है वह फेस के जो करंट जा रहा है वो दूसरे में करंट ड्रॉप करके देना, ठीक है। तो ये वाट को कम करता है, तो ये जब आउटपुट में देगा तो बल्ब डिम होगा और इनपुट में जो मिल रहा है वही ये ब्राइट दिखाएगा, तो आपको दिखाया ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। ये दोनों चोक ठीक है, अभी ये चेक करेंगे, ठीक है। थोड़ा रखो इसमें, देखिए हम तो ये होल्डर खोल के साफ कर दिया, ठीक है, ये होल्डर खोल के क्लीन किया हम, ये होल्डर अभी ये दो होल्डर जो ट्यूबलाइट का होल्डर खोलने गया तो देखा ये नीचे का एक वायर ये निकला हुआ है, ठीक है। ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये वायर निकला हुआ था, तो इसके वजह से ये सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा था, तो और निकला ऐसा निकला नहीं, ये गर्म होकर निकला, देखिए इधर देखो, देखो ये देखो ये गर्म होकर जल गया, जल के ये वायर इधर से निकल गया, ये जला क्यों, ये लूज कॉन्टैक्ट बना इधर इसलिए जला, ये कॉन्टैक्ट इधर से लूज हो गया और इसको वो हल्का सा टच होकर रह गया होगा, आहिस्ता 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 आहिस्ते गर्म होकर जल गया, जल के ये वायर इधर से निकल गया, ठीक है। तो इसके लिए ये जल नहीं रहा था, बाकी चोक तो ठीक है, होल्डर भी ठीक ही है, होल्डर क्लीन किया वो भी ठीक है, तो दूसरा होल्डर भी वो देखेंगे ये भी ठीक ही होगा, सिर्फ ये गर्म होगा, ये भी खोलेंगे इसको, अभी ये भी कुछ हुआ क्या, ठीक है। अब ये नया होल्डर लगा देंगे, ये शायद चल जाएगा, अभी ये होल्डर लगाने के बाद आपको देखा तो पूरा जल रहा है क्या नहीं, और इसका सर्किट डायग्राम भी आपको बताएंगे, ये होल्डर ये जो इधर चोक का क्या काम है, स्टार्टर का क्या काम है, और सिंगल चोक में सिंगल ट्यूबलाइट जलाना, सिंगल चोक में डबल ट्यूबलाइट जलाना, या डबल ट्यूबलाइट में डबल चोक में डबल ट्यूबलाइट जलाना, वो कैसे उसका वायरिंग होता है आपको डायग्राम के साथ आपको बताएंगे और इसका फंक्शन भी बताएंगे। अभी इसको पहले ठीक कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ये होल्डर लगा लेते हैं नया होल्डर, ओके। तो होल्डर को नया होल्डर चेंज कर दिया, अभी जो ख़राब था वो जल के ख़राब हो गया, तो होल्डर भी चेक कर दिया, नया लगा दिया, और जो स्टार्टर का होल्डर भी वो हम लगा दिया क्लीन करके। अभी इसको चालू करते हैं, देखते हैं दोनों जलते हैं कि नहीं, चालू करो, देखिए अभी ठीक है, अभी ये एक ही बार में दोनों चालू हो रहा है, तो वो होल्डर के वजह से, ये होल्डर जल के ख़राब होने की वजह से ये नहीं जल रहा था, हम पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो एकदम नीचे की तरफ था, दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो ये खोल के लेके आया तो पता चला, ऐसे और एक भी है नहीं जल रहा है, तो उधर भी कोशिश किया, तो उसको भी खोल के हम लेके आएंगे देखेंगे। तो ये इतना काम है, ये था दो चोक दो ट्यूबलाइट, इसका वायरिंग डायग्राम क्या होता है, और वन चोक डबल ट्यूबलाइट क्या होता है वो भी दिखाएंगे, ठीक है, और सिंगल चोक सिंगल ट्यूबलाइट वो भी दिखाएंगे। अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये तो जल जल गया, अभी इसको हम फिट कर देंगे, ठीक है।
चलिए अभी डायग्राम में आपको बता देता है, और दूसरा जो है वो भी हम लेके आके ठीक करेंगे। अभी अभी डायग्राम बता देता है। चलो राधा, और चलो एक बार और देखो, बंद किया, एक बार और देखो, देखो चल, फिर बंद किया, फिर चालू होगा। अभी ये ठीक है, ठीक है। ये चौक, ये ट्यूबलाइट थोड़ा इधर ब्लैक देख रहा है, वो चले अभी निकाल दो पूरा। तो ट्यूबलाइट जल गया, ट्यूबलाइट पूरा बन गया। अभी आपको बताएंगे, मैं ड्राइंग करके उसका ड्राइंग वायरिंग डायग्राम, जो एक चौक में एक ट्यूबलाइट, एक चौक में दो ट्यूबलाइट और डबल चौक में डबल ट्यूबलाइट, इसका वायरिंग डायग्राम आप देख लीजिए। अभी कैसा है इसका वायरिंग डायग्राम के हिसाब से, अगर डायग्राम ब्रेन में सेट हो गया तो वायर ऐसे भी कौन सा भी फॉल्ट हो, आप फॉल्ट फाइंडिंग करने में बहुत ईजी रहता है और कनेक्शन करने में भी ईजी रहता है। देख लीजिए, अभी मैं सिंगल चौक एंड सिंगल ट्यूबलाइट इसका वायरिंग डायग्राम देख रहा हूँ। पहले एक ट्यूबलाइट का जो ये बना लेता है, ये है इसका बाल ट्यूबलाइट के अंदर। ओके, इधर का दो होल्डर रहता है, एक होल्डर रहता है। फिर यहाँ से मैं ले लिया, यहाँ से न्यूट्रल ले लिया, यहाँ से लाइन ले लिया, ठीक है। फर्स्ट में जाके क्या करना है, ये होल्डर का पॉइंट से यहाँ एक ये बना देना है, जो स्टार्टर है ये हिस्सा, इसको कनेक्ट कर देना है, इसका एक पॉइंट पे, इसका ये पॉइंट पे। दूसरा जो लाइन गया, लाइन में इधर एक स्विच रहेगा, ऑन ऑफ स्विच रहेगा। फिर क्या रहेगा, आगे जाके एक चोक रहेगा, चोक से आउटपुट, चोक का जो आउटपुट है सीधा इस कनेक्ट पे देना है। ओके, और न्यूट्रल को सीधा ये दूसरा पॉइंट जो है इस पे कनेक्ट कर देना। तो ये हो गया स्टार्टर, ओके, ये हो गया चोक, और ये ट्यूबलाइट है। तो ये सिंगल चोक एंड सिंगल ट्यूबलाइट। अब क्या करना है, अगर डबल चोक डबल ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे रहेगा, तो डबल चोक पहले डबल ट्यूबलाइट बना लेते हैं। ये डबल ट्यूबलाइट बना दिया, ट्यूबलाइट का जो बल्ब रहता है इधर, ओके, इसको क्या करना है, ये बल्ब का एक होल्डर का ये एंड से सीधा इस पे स्टार्टर को देना है, जैसे पहले दिया था, इसको भी सेम इसको स्टार्टर को देना है। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन न्यूट्रल ले लिया, यहाँ से लाइन ले लिया, ये लाइन लिया, लाइन में स्विच रखना है। फिर इधर क्या करना है, एक चोक दे देना है, चोक को सीधा इस पर डाल देना है, ठीक है। और इसी लाइन का इसको कनेक्ट करके एक चोक इधर भी रखना है। ये डबल चोक हो गया, सीधे इसमें गया, और ये जो न्यूट्रल गया, न्यूट्रल सीधा ये दूसरा एंड पे डालना है, और इसमें से लूप करके इस पे देना है। तो ये हो गया डबल चोक, COC के चोक नंबर 1। ये नंबर 2 है, बाकी ये तो आपका सेम है। ये जो ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट है, ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर, ये स्टार्टर, ट्यूबलाइट से एक ट्यूबलाइट है। ओके, ये हो गया डबल चोक डबल ट्यूबलाइट। अब ये सिंगल चोक डबल ट्यूबलाइट, ये थोड़ा ध्यान से देखना है। पहले तो डबल ट्यूबलाइट भी बना लेता हूँ। ये डबल ट्यूबलाइट का बल्ब है, सबसे पहले तो जैसे स्टार्टर का कनेक्शन करना है वो कर ही लेना है, ठीक है, तो इजी रहेगा, समझ रहे हो। फिर यहाँ से हम क्या किया, फिर न्यूट्रल, एक न्यूट्रल लेना है इधर से, और एक लाइन रहेगा,
लगाना है, ठीक है। तो फेस, फेस में इधर स्विच रखना है, स्विच हमेशा फेस में रखना है, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको यहाँ से एक चोक दे दिया, सिंगल चोक रखना है, तो सिंगल चोक में से जो आउटपुट गया, सिंगल चोक का आउटपुट है सीधा इधर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एक में कनेक्ट हो गया, दूसरा में बेसिक यहाँ से लूप कर लेना है, सिंगल चोक से जाएगा ना, तो इसका भी लूप इधर कर देना है, हो गया। अब जो लाइन है, न्यूट्रल को सीधा इधर दोनों को दे देना है लूप करके, सही है। तो ये जो हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये भी सही हो, इसे में स्टार्टर है ट्यूबलाइट, और ये भी ट्यूबलाइट है, और ये सिंगल चोक है, ये इसका मेन एक काम है, मतलब ये वायरिंग डायग्राम अगर समझ लिया तो कनेक्शन करने में बहुत ईजी रहता है। तो अभी ये चोक एंड स्टार्टर, इसका थोड़ा पॉज करो। तो ऐसा वायरिंग डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, वायरिंग डायग्राम को तो देख लिया। अभी ये जो ट्यूबलाइट्स है, ये ट्यूबलाइट में इतना सारे ताम झाम क्यों है, ये चोक का क्या काम है, कैपेसिटर क्यों लगाता है, और ये स्टार्टर क्यों, स्टार्टर का भी काम क्या है। जब हम स्विच ऑन करते हैं ट्यूबलाइट का, तो थोड़ा टाइम क्यों लेता है, ये सब सवाल हमको आता है, मन में आता है, तो उसको जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको हम बता देंगे कि क्या इसका चोक का क्या काम है। मान लीजिए ये चोक है हमारा, ठीक है, चोक का क्या काम है, जो ट्यूबलाइट को जलाने में इसका क्या रोल है, और स्टार्टर का भी क्या रोल है। तो हमें क्या ना, पुराना स्टार्टर लिया, ठीक है, इसके अंदर जो क्या रहता है वो देख आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये इसके अंदर क्या है जो स्टार्ट करने में मदद करता है। चौक तो ये है, आप देख सकते हैं ये चौक है, ये 18 वाट का है, 20 वाट का है, जैसे ट्यूबलाइट है वैसा इसके हिसाब से चौक यूज होता है। तो जो चौक का जो काम है, चौक पहला तो चौक का काम क्या है वो बता देता हूँ। चौक का तीन काम होता है इस सर्किट में, ये ट्यूबलाइट को जलाने के लिए चौक का तीन काम होता है। एक होता है क्या, जो ये लाइन में जो करंट है, और उस करंट को जब ये स्विच ऑफ रहता है तभी क्या होता है, ये जैसे ही स्विच ऑन किया, तो ये जो इस लाइन का जो करंट करके ये स्टार्टर के जरिए इसको क्या करता है, ये स्टार्टर के जरिए ये करंट को लिमिट करता है। नहीं तो स्टार्टिंग में जाकर ये करंट फुल दे देगा तो ये काम नहीं करेगा। एक लिमिट कौन करता है, ये जो इसके ये जो बल्ब देखता है, ये स्टार्टर के अंदर एक बल्ब रहता है, ये चीज रहता है, एक बल्ब एक कैपेसिटर, इसमें एक बायोमेटलिक स्ट्रिप रहता है, बायोमेटल प्लेट रहता है, ठीक है। तो बायोमेटल प्लेट कब क्या होगा, जब ये स्टार्टिंग में स्विच ऑन किया तो जो करंट वो जो जाएगा, ये करंट क्या होगा, ये ऐसे पास होगा, ये स्टार्टर के जरिए ऐसे पास होगा। ये जो बायोमेटल के अंदर इस बल्ब के अंदर एक कुछ गैस रहता है, इनर्ट गैस, उसको लियोन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, हाँ ऐसा इनर्ट गैस रहता है, तो वो गैस के अंदर आयनाइजेशन होता है। स्टार्टिंग में ये गैस के अंदर आयनाइजेशन होने के बाद आगे जाता है, जब स्टार्टिंग में ये गैस के अंदर आयनाइज होकर करंट जाता है लिमिट में, तो क्या करता है, पहला जो काम है वो करंट को लिमिट करता है, ठीक है, लिमिट करके देता है। ये जब गैस के अंदर जब करंट जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो इसके अंदर जो बायोमेटलिक प्लेट है वो हीट होने लगता है, हीट होकर आहिस्ता ये इस तरह से रहता है, तो जो प्लेट है ना ये थोड़ा नॉर्मली ओपन रहेगा, तो हीट होने के इसके अंदर जो गैस है वो गैस के जरिए करंट पास हो रहा है, इसको हीट हो रहा है, हीट होते होते आहिस्ते आहिस्ते से बैंड होकर ये दोनों कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा, इसके अंदर जो प्लेट जैसे ही कॉन्टैक्ट पे आएगा तो क्या होगा, ये जब इसका
ये दोनों स्ट्रिप जब जुड़ जाएगा तब इसके अंदर पूरा हाई वोल्टेज क्रिएट होगा। इसके अंदर जब ये जुड़ जाएगा और तब ये क्या होगा, ये इसके अंदर से हाई वोल्टेज क्रिएट होगा जो इसको ग्लो करने के, जो ट्यूबलाइट से ना उसको अंदर जो गैस है वो गैस के अंदर आयनाइजेशन को क्रिएट करता है, तो वो आयनाइजेशन तैयार करता है। जब ये स्टार्टर एक बार जुड़ गया और फिर से छोड़ दिया तो वो हाई वोल्टेज तैयार हो गए, फिर उसमें वो गैस को ग्लो कर देता है, फिर ये ट्यूबलाइट जलने लगता है। तो ये जो ट्यूबलाइट को हमको जलाने के लिए उसको हाई, पहला क्या करना चाहिए, उसको बहुत ही हाई वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज तो हमारा लिमिट है 220 है या 240 है, तो वो हाई वोल्टेज को तैयार करने में स्टार्टर और चोक ये दोनों मिल के ये हाई वोल्टेज तैयार करता है। जैसे हाई वोल्टेज तैयार हो गया और ट्यूबलाइट जल गया, फिर क्या होगा, ये फिर से ये छोड़ देगा, ये हीट होना बंद होगा और आस्ते आस्ते मेटल फिर से ओपन हो जाएगा, तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट ओपन होकर फिर करंट क्या दौड़, करंट फिर इस तरह से जाता है, करंट फिर स्टार्टर के जरिए नहीं जाता है, फिर ये सीधा ऐसा जाते रहता है लाइन से चौक, चौक से फिर सीधा ऐसा न्यूट्रल के जरिए रिटर्न जाता है। तो इसका जो काम है तीसरा है हाई वोल्टेज क्रिएट करना, ठीक है। ये चौक एंड स्टार्टर मिल के हाई वोल्टेज तैयार करता है, ठीक है, हाई वोल्टेज क्रिएट, ओके। जब तीसरा काम है, जब ये ट्यूबलाइट जल गया तो फिर इसको क्या करना है, ये चोक का काम क्या है, फिर करंट एंड वोल्टेज लिमिट करना। ये क्या होता है, फिर जब ये जल गया तब ये करंट एंड वोल्टेज जो इसका ट्यूबलाइट के हिसाब से जितना वाट का ट्यूबलाइट है कितना करंट लेना चाहिए, जो वो ट्यूबलाइट को जितना करंट चाहिए उतना ही करंट ये फिर देते रहेंगे, और वोल्टेज कितना चाहिए वो भी इसको मिलते रहेगा। तो जो चौक का तीन काम होता है, एक स्टार्टिंग में करंट को लिमिट करना, लिमिट करके वो स्टार्टर को जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप को वो ऐसे 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 हीट होता रहता है, जब हीट हो जाएगा तो क्या होगा, एक हाई वोल्टेज क्रिएट होगा जो ट्यूबलाइट को जलाने में मदद होगा, ठीक है, ग्लो करने में मदद करता है, उसके अंदर जो गैस है वो गैस को आयनाइजेशन करने के लिए मदद करता है। फिर जब ग्लो हो गया ट्यूबलाइट, फिर क्या होगा, वो लिमिट कर देगा, जो जितना करंट चाहिए उतना ही करंट ये स्टार्टर को जरिए नहीं, ये सीधा इधर से ट्यूबलाइट के जरिए करंट और वोल्टेज लिमिट करके रखेगा। तो ये तीन काम होता है चोक का। और स्टार्टर का काम क्या है, वही जो बोला, स्टार्टर का काम है एक तो इसको हाई वोल्टेज क्रिएट करना, और ये इसके अंदर क्या रहता है, ये बल्ब है और ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर बहुत ही नैनो में रहता है, मतलब उसका जो वैल्यू है बहुत कम रहेगा। ये कैपेसिटर अलग है और ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर देखो इधर, ये कैपेसिटर जो है ये अलग है। ये इसका काम है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। ये हैवी, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है और इसका ये नैनो में रहता है, बहुत कम रहता है। तो ये क्या करता है, ये जो इसके ये स्टार्टर के अक्रॉस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस है उसको सप्रेस करता है। ये कैपेसिटर जो इस स्टार्टर के अक्रॉस में रहता है, ठीक है। तो इसका काम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना नहीं है, इसका काम सिर्फ वो सप्रेस करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस को सप्रेस करता है। तो यही है स्टार्टर, कभी कभी हम देखते हैं जो ट्यूबलाइट थोड़ा टाइम ले लेता है जलने में। ये जलने में टाइम क्यों लेता है, टाइम इसलिए लेता है, ये जो इसके अंदर जो गैस है, गैस आयनाइज होकर पहले करंट लिमिट में जाता है, फिर गैस को उसको बायोमेटेरियल स्ट्रिप को हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम उतना टाइम के लिए वो ट्यूबलाइट थोड़ा टाइम लेता है जलने के लिए। जैसे ही वो स्ट्रिप ऐसे जॉइंट हो गया तो क्या होगा, फिर वो उधर हाई वोल्टेज क्रिएट होगा, हाँ, उस लाइन के अक्रॉस, तो स्टार्टर के दोनों एंड के जरिए वो फिर क्या होगा, हाई वोल्टेज क्रिएट होगा, और ये फिर यहाँ जो नियोन गैस है जो इसके अंदर रहता है ट्यूबलाइट के अंदर, वो गैस के अंदर आयनाइजेशन होगा और ट्यूबलाइट ग्लो होगा। तो इतना ही ये दोनों का काम रहता है, ट्यूबलाइट एंड चोक का। और ये जो ये लाइन पे जो कैपेसिटर है, ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जो ये
इसका क्या होता है, ये जो लाइन पे जो वोल्टेज करंट है वो करंट को लीड कर देता है। जो एक ही लाइन पे क्या दौड़ता है, वोल्टेज भी दौड़ता है और करंट भी दौड़ता है, तो वो क्या करता है करंट को लीड कर देता है, वोल्टेज को अब्जॉर्ब करता है। हाँ, एक कैपेसिटर का काम यही है, लेकिन ये इसका काम दूसरा है। ये उस तरह का काम नहीं करता, ये इसका रीडिंग, इसलिए इसका वैल्यू बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम भी हो गया। तो अभी इसका डायग्राम भी समझ गया, और इसके स्टार्टर और चोक का क्या काम है, रोल है इसमें, वो भी थोड़ा समझ गया, और कैसे रिपेयर करना है, अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो कैसे फाइंड आउट करना है, चोक को कैसे टेस्ट करना है, स्टार्टर को कैसे टेस्ट करना है, होल्डर को कैसे टेस्ट करना है, वो भी समझ लिया। तो इतना ही है, हम लोगों को बहुत सारे कम से कम 18 पीस है ऑल ओवर ये बोर्ड में, जांच में 18 पीस ट्यूबलाइट है। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, एक जांच में लगाया रहता है ट्यूबलाइट चेंज करना, कभी वायर जल गया हो तो ये हम लोग खुद ही कर लेते हैं। तो बस इतना ही है आज का ये वीडियो में, मेरे हिसाब से तो जानकारी काफ़ी मिल गया होगा। फिर कभी आएंगे कोई नया वीडियो लेके। ओके, बाय।